हाँ जी, तो अभी अपनी क्लास में 101 पे आगे बढ़ूँ उससे पहले एक स्टूडेंट का डाउट है भाई, तो वो डाउट के जवाब दे रहा था मैं बीच के अंदर। जवाब ये मतलब डाउट ये है स्टूडेंट का भाई, प्रिफरेंस शेयर होल्डर, नाम नहीं बताऊंगा स्टूडेंट का, डाउट सुन लो आप लोग, अपने काम का हो तो ले लो। प्रिफरेंस शेयर होल्डर एनसीएलटी के थ्रू ईजीएम बुला सकता है क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया। मैंने इसका जवाब यहाँ पे ये दे दिया है कि भाई अगर प्रिफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई मैटर है, बराबर, तो अपन ने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया ईजीएम के अंदर कि जैसे डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ है या कंपनी का वाइंडिंग अप वगैरह है, उस केस के अंदर वो भी ज्वाइन भी कर सकते हैं, और अगर उनके पास शेयर होल्डिंग कम है तो वो एनसीएलटी को अप्लाई भी कर सकते हैं, बराबर। तो इसका वापस से मेरे पास जवाब आया, सर लेकिन आपने वो एग्जांपल दिया था ना कि किसी मेंबर को अगर कुछ गलत होता दिख रहा है तो वो फिर कैसे करेगा बेचारा, अगर प्रिफरेंस शेयर होल्डर को लग रहा है कि मैनेजमेंट कुछ बदमाशी कर रहा है, मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैनेजमेंट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सर ऐसे तो वो मीटिंग बुला ही नहीं पाएगा। तो भाई हमने अगर कहा कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर चीज तुमको मीटिंग बुला के ही करनी है, अगर तुमको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो जाकर के एनसीएलटी को कंप्लेन करो ना भाई, सीधी सीधी सी बात है। मीटिंग बुला के ही साथ क्या पता मीटिंग बुलाने के बाद के तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या, मीटिंग बुलाने के फिक्स तरीके हैं, फिक्स रूल है जिनको अपन अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये अपने को ध्यान में रखना है। अभी इसका वापस मैसेज आया, ओके सर हर वक्त मीटिंग बुलानी जरूरी नहीं है। तो भाई तुमको भी मैं साथ में जवाब दे देता हूं, इस वक्त मैं कर रहा हूं क्लास की रिकॉर्डिंग, तुम्हारे डाउट को मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग के अंदर इंक्लूड कर दिया है, और हर वक्त मीटिंग बुलानी जरूरी नहीं, बुलाने का राइट भी नहीं है आपको, तुम तो मन आए तब उठ के आओगे, अरे चलो भाई आज मुलाकात करते हैं, आज मीटिंग करते हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो भाई ऐसा थोड़ी होता है, बराबर से। अभी एक बहुत पॉपुलर वर्ड चल रहा है राजस्थान में, नाती का बाड़ा, बराबर, क्या नाती का बाड़ा थोड़ी है कि जब अपन उठ के आ गए और अपन ने मीटिंग कॉल कर लिया, बराबर। ये वर्ड भी बहुत चल रहा है भाई, बहुत पॉपुलर है, जो कंपटीशन एग्जाम वालों में है ना उनमें ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, किसी को पता हो तो सुनना, नाती का बाड़ा अपने एक बहुत पॉपुलर वर्ड है भाई राजस्थान का, ठीक है। तो नाथी बाई जो थी वो एक ऐसी लेडी थी जो सबके लिए बहुत हेल्प करती थी, मदद करती थी, दान वान करती थी, डोनेशन करती थी, और बहुत मदद करती थी, पूछती भी नहीं थी, ना वापस पैसा लेती थी। तो अपने क्या होता है जब कोई इस तरह से किसी की मदद करने के लिए जाता है, मतलब पूछता है कि सर मेरी मदद करोगे क्या, मुझे इतना पैसा दोगे क्या, तो सामने वाला कहता है अरे कोई नाती का बाड़ा खोल रखेगा यहाँ पे जो हम तेरी मदद करेंगे। तो एग्जैक्टली वो वर्ड मैं यहाँ पे भी तेरे लिए यूज कर रहा हूँ भाई, रिकॉर्डिंग के अंदर तेरी बात को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि भाई ऐसा थोड़ी है कि जब उठ के आ गए और मीटिंग हो गई, है ना। तो अपने को ध्यान में रखना है, मीटिंग के अपने कुछ पर्पज होते हैं, इस तरीके